कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने नवंबर में महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिमंडल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर उन्हें यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उद्धव ठाकरे के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात कर आमंत्रण दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से 7 सितंबर को शुरू हुई थी, जो 150 दिनों तक चलने के बाद श्रीनगर में समाप्त होगी। यह यात्रा 3570 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। यात्रा में यह पहला मौका होगा जब राहुल गांधी की यात्रा में विपक्ष का कोई बड़ा नेता शामिल होगा। महाराष्ट्र के दोनों बड़े नेताओं की यात्रा में शामिल होने और उसके जरिए महाविकास अघाड़ी यानी MBA की मजबूती दिखाने की कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने के बाद यह पहला मौका होगा जब उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी एक साथ होंगे। उद्धव ठाकरे फिलहाल महाराष्ट्र के CM नहीं हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस को समर्थन देने के बाद महाराष्ट्र में 2019 को शिवसेना NCP और कांग्रेस की सरकार बनी थी। कहा जाता है कि राहुल गांधी शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर तैयार नहीं थे, लेकिन सोनिया गांधी की हामी भरने के बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने सके थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल से यात्रा शुरू की है, जो शाम को कुरनूल के कई क्षेत्रों को कवर करने के बाद जागी गांव में विराम हुई। देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा पैदल मार्च किया जा रहा है। यह यात्रा किसी भी राजनीतिक पार्टी की ओर से शुरू की जाने वाली सबसे लंबी पैदल यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा की 3570 किलोमीटर की लंबाई केवल 150 दिनों के भीतर तय करेगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पार्टी के कई नेताओं के आग्रह के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों भले ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन हम लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। खड़गे ने उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें कहा गया था कि नया अध्यक्ष गांधी परिवार का कठपुतली होगा। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी है। इसका मतलब ये नहीं कि 50 साल मैंने कुछ नहीं सीखा, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद गांधी परिवार से अच्छी चीजें पूछूंगा और उनके साथ विचार भी करूंगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।